Good morning, dear students. Today we will do some more questions of this miscellaneous exercise. This is the 20th question. You have to integrate under root 1 minus root x upon 1 plus root x. What we can do here, we can take root x as cos theta or x equal to cos square theta. When x is cos square theta, then dx is 2 cos theta into cos theta ka differentiation, that is minus sin theta. So it dx is equal to minus 2 sin theta cos theta d theta. Then I becomes under root 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta into minus 2 sin theta cos theta. Here we can use the identity. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, and 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, and 2 sin theta cos theta becomes sin 2 theta. Minus sin is taken outside the integration. Then 2 gets cancelled here and it becomes 10 square theta, and under root of 10 square theta is 10 theta by 2. Then we can write this as 2 sin theta cos theta. वापस वही लिख दिया हमने, तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी. अब sin theta को अगेन वी यूज sin 2 theta इज इक्वल टू 2 sin theta cos theta, तो sin theta विल बिकम्स 2 sin theta by 2 cos theta by 2, और ये 2 एक ऑलरेडी था और ये cos theta. इस 10 थीटा बाय 2 को भी हमने साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख दिया. देन एक कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 2 साइन 2 और 2 मिलकर 4 बन गया. इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस थीटा. इस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1. मल्टीप्लाई करके टर्म्स को सबट्रैक्ट करेंगे. देन इन द फर्स्ट वन 4 इसके साथ अंदर लिख लें, और इसे हम लिख सकते हैं फिर 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर. तो 4 अंदर लिखने के बाद बाहर 2 बचेगा, और 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 को साइन थीटा लिख सकते हैं, और उसका होल स्क्वायर था इसलिए साइन स्क्वायर थीटा, और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 रहेगा. अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम दोबारा से 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं. इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 हाफ का इंटीग्रेशन थीटा बाय 2. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, साइन 2 थीटा बाय 2. तो ये 4 बन जाएगा, ये पहले वाला एक 2 था तो ये मिलकर 4 हो गया. अब ये हाफ का इंटीग्रेशन दोबारा से थीटा बाय 2 हो गया, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और ये 2 ऑलरेडी था. देन ओपन द ब्रैकेट, देन वी गेट माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी. और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो गया और 2 थीटा माइनस थीटा थीटा रह गया. इसके बाद थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर पिछले स्टेप पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. दोनों जगह हम साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, और थीटा इज कॉस इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को हमने एक्स माना था, सॉरी एक्स को कॉस स्क्वायर थीटा माना था,
तो थीटा बिकम्स कॉस इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ से कॉस थीटा स्क्वायर थीटा एक्स हो गया, कॉस थीटा रूट एक्स है, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्स। एंड रीराइट दिस, रीअरेंज दिस, रूट एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स बिकम्स एक्स रूट वन माइनस एक्स, एंड देन इट बिकम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई की पावर x। जब भी इंटीग्रेंट हमारा इस फॉर्म में होता है जहाँ पर e की पावर x है और बाकी हमें दिख रहा है कि इसे हम सम ऑफ टू फंक्शंस ब्रेक में ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसे उसमें करने की कोशिश करेंगे, इसे fx प्लस f'x की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, और 1 प्लस cos 2x हो गया 2 cos स्क्वायर x। 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन x प्लस cos x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ से एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स। अब ये हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में आ गया है, जहाँ पर हम टेन एक्स को एफ एक्स मान सकते हैं, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो ये एफ डैश एक्स बन गया हमारा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है, तो हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स की जगह टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू। यहाँ पर हम टू लॉग एक्स को लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एम लॉग एन इक्वल टू लॉग एन टू द पावर एम का यूज करके, और इसके बाद यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एम डिवाइडेड बाय एन होता है, सो इट बिकम्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको हम सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ लॉग के साथ हमारे पास आया वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, इसीलिए हम ये बाहर भी इसे इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करें। तो हम जो x टू द पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो सेपरेट कर लिया, और एक x जो बचा उसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख दिया डिनोमिनेटर में, और फिर ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे डिवाइड करके सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। नाउ इस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम टी मानेंगे, तो ये माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। सो जो हमारा इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेंट था, ये अब चेंज हो गया, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स तो डी टी अपॉन माइनस टू बन गया, ये रूट टी और ये लॉग टी, सो माइनस वन बाई टू इंटीग्रल अंडर रूट टी लॉग टी डी टी। इसे हम टी की पावर हाफ लिख सकते हैं रूट टी को। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, तो लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, और टी की पावर हाफ को सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग टी इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी इंटू इंटीग्रल ऑफ टी की पावर हाफ डी टी। यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन छूट गया बच्चे, यहाँ आप इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे, सो इट बिकम्स माइनस हाफ लॉग टी टी की पावर 3 बाई टू डिवाइडेड बाई 3 बाई टू माइनस लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी और टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 बाई टू डिवाइडेड बाई, ये 2 बाई 3 बन गया, और
इसकी पावर्स माइनस करेंगे तो टी की पावर हाफ रह जाएगा, और टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो वो मिलकर 4/9 बनेगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -1/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी प्लस 2/9 टी की पावर 3/2 रह जाएगा, और इन दोनों में से टी की पावर 3/2 कॉमन दिया जा सकता है। देन विद इन ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद लॉग टी -2/3। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी हमने माना था 1 + 1/x² को, सो इट बिकम्स 1 + 1/x² होल रेज टू द पावर 3/2 इंटू लॉग 1 + 1/x² -2/3 प्लस इंटीग्रेट करते कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।